गुजरात के कच्छ में रहने वाली ये है 70 साल की बुजुर्ग महिला जीवूबेन रबारी, जिन्होंने दुनिया की सबसे अधिक उम्र की मां बनने का दावा किया है। जीवूबेन पहली बार मां बनी है जिन्होंने आईवीएफ तकनीक के जरिए बच्चे को जन्म दिया। जीवूबेन और मालधारी की शादी को 45 साल हो चुके हैं। इतने लंबे इंतजार के बाद अब उनके यहाँ बच्चे की किलकारियां गूंज रही हैं, जिससे दोनों पति पत्नी बेहद खुश हैं। कितनी उम्र से तुम्हारी? 5 वर्ष। अच्छा, खुश लागो छो आज? पहला तुम्हारे का दिकरा दिकरी छे कि नहीं? आज तुम्हें संतोष मानी रहे छो? तो हॉस्पिटल में आया छो ने शू तुम आ खुशी ना समाचार लेने जाओ छो? कितना उम्र थी तुम्हारी? 70 वर्ष। भगवान आपने शू आप्यो तुमने आज? दीकरो आप्यो? कई हॉस्पिटल में दीकरो आप्यो आपने? मनसाली हॉस्पिटल में। आपने केवो अनुभव अनुभवी रहा छो आज? हारो। जीवूबेन का बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है और उसका वजन 2 किलो के आसपास है। कच्छ जिले में हर्ष टेस्ट ट्यूब सेंटर चलाने वाले डॉक्टर नरेश भानुशाली के मुताबिक पहले उन्होंने जीवूबेन को ये कहते हुए मना कर दिया था कि इस उम्र में बच्चा काफी मुश्किल है, लेकिन दंपति की ओर से काफी अनुरोध के बाद उन्होंने आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट करने के लिए हाँ कर दी। ट्रीटमेंट के 9 महीने बाद जीवूबेन को बेटा हुआ। पेशेंट हमारे पास आया था, उनकी एज बहुत थी और उस एज में बच्चा करना भी नहीं चाहिए। हमने उसको बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन कभी कभी हम लोग भी इमोशन में आ जाते हैं और भगवान पे भी ट्रस्ट रखते हैं। वो लोग भी मतलब कि उनको ऐसा लगता है मातृत्व मुझे धारण करना है, मुझे कैसे भी करके माँ बनना है, तो कुछ भी हो जाए लेकिन करना है। लेकिन हमने हमारी भी रिक्वेस्ट उन्होंने मानी नहीं और हम भी थोड़ी इमोशन में आके उनका फिर ट्रीटमेंट किया। उनको बच्चादानी छोटा हो गया था, वो हमने दूरबीन से उसका बड़ा किया। उसके बाद हमने आईवीएफ से टेस्ट ट्यूब टेक्निक से उसको बच्चा ट्रांसफ़र किया और उनको लड़के का जन्म हुआ। उनको 2009 में दुनिया की सबसे अधिक उम्र की मां बनने का रिकॉर्ड यूके की एलिजाबेथ एडिनी के नाम था, जिन्होंने 2009 के मई में बेटे को जन्म दिया था। बच्चे का जन्म आईवीएफ तकनीक के जरिए ही कराया गया था। यूके में 50 साल से अधिक उम्र वाली महिलाओं के लिए आईवीएफ की सुविधा नहीं थी, इसके लिए एलिजाबेथ को यूक्रेन जाना पड़ा था।